नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कौर हूँ, महिला गवर्नमेंट कॉलेज नागौर में असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो अपन पढ़ रहे थे उसी क्रम में आज अंतिम टॉपिक अपन आज करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ, डिक्लाइन, हड़प्पा सभ्यता का पतन। जो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वह यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के समय में वेद वैदिक आर्यन लोग भारत में आए, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और उन्होंने हड़प्पा वासियों का अंत कर दिया। इस प्रकार के आक्रमण के कारण जो हड़प्पा का पतन है वो अचानक हुआ, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, क्योंकि जब आक्रमण होता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, जो विनाश होता है वो अचानक ही होता है। तो वैदिक आर्यन में हड़प्पा का विनाश किया। कौन कौन से इतिहासकार हैं जो इस मत को मानते हैं, इनमें से एक है आर ई मोर्टिमर व्हीलर। आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं इस वीडियो को, आर ई मोर्टिमर व्हीलर, इसको आर ई एम व्हीलर भी कहा जाता है। फिर वी गॉर्डन चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड दूसरे इतिहासकार हैं जो इस मत के समर्थक हैं। स्टुअर्ट पिगट तीसरे इतिहासकार है। फिर अपन इसमें इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो इतिहासकार हैं ये साक्ष्य ढूंढ के लाते हैं, साहित्यिक साक्ष्य ढूंढ के लाते हैं जो यह पुष्ट करते हैं कि हड़प्पा के अंत में हड़प्पा के विरुद्ध आक्रमण हुआ वैदिक आर्यन के द्वारा। फिर कौन कौन से साक्ष्य ढूंढ के लाते हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर एक शब्द मेंशन है जिसको हरियूपा कहा जाता है। ऋग्वेद के अंदर एक शब्द मेंशन है हरियूपिया, हरियूपिया, हरियूपा, हरियूपिया शब्द। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि आर्यों ने यहाँ पे युद्ध किया था हरियुपा नाम के स्थान पे। तो इतिहासकार ये कहते हैं हरियुपा अवश्य हड़प्पा वाला ही शहर होगा जहाँ पे वैदिक आर्यन ने युद्ध किया होगा और उनको हराया होगा, पहला साक्ष्य ये है। तो दूसरा पुरुरेंद्र, वैदिक साहित्य में पुरुरेंद्र शब्द आता है जिसका आपको अवश्य आपको पता होगा, पुरुरेंद्र, पुरुरेंद्र, पुरुरेंद्र का मतलब है किलों का विनाश करने वाला, इंद्र भगवान को पुरुरेंद्र कहा गया है। पुरुरेंद्र यानी इंद्र भगवान ने किसके किलों को विनाश किया, ऑब्वियस है हड़प्पा वालों के किलों को विनाश किया होगा, तो ये भी एक युद्ध के बारे में स्पष्ट साक्ष्य देता है। फिर इसके बाद अगला है वैदिक टेक्स्ट में एक मेंशन कर रखा है बृहत्तना, बृहत्तना एक प्रकार का राक्षस था जिसका संहार आर्यन के द्वारा किया गया, आर्य लोगों के द्वारा बृहत्तना नाम के राक्षस का संहार किया गया, क्योंकि जो बृहत्तना नाम का राक्षस था उसने सिंचाई हेतु पानी को रोक दिया था, यानी जिस पानी से सिंचाई का कार्य किया जाता था कृषि में उस पानी को ब्लॉक कर दिया था, उसने रुकावट पैदा कर दी थी, रोक दिया था, और बांध का जो पानी है उसको पूर्ण रूप से रोक दिया था जिससे सिंचाई का कार्य नहीं हो पाया, और इसने बांधों का भी विनाश किया इस बृहत्तना राक्षस ने। इसी कारण जो कृषि है वह प्रभावित होने लग गई, लेकिन वैदिक आर्यन के लोगों ने इस राक्षस को मार डाला। तो यह क्या, ये युद्ध के बारे में बता रहा है कि जरूर उसमें कुछ संघर्ष हुआ होगा वैदिक आर्यन और यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोग, यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोग कौन थे, हड़प्पा वासी थे। तो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि जरूर अवश्य युद्ध हुआ होगा हड़प्पा और वैदिक आर्यन के बीच में। अब ये दूसरे स्रोत भी लेके आते हैं आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या कौन से साक्ष्य लेके आते हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नामक शहर में खुदाई के दौरान हमें पता लगा है कि 37 नर कंकाल जगह जगह बिखरे हुए मिले हैं, 37 मानवों के नर कंकाल, कुछ स्ट्रीट में मिले हैं, कुछ कुएं के अंदर भी गिरे हुए मिले हैं और कुछ कमरों के अंदर भी हमें नर कंकाल मिले हैं। तो ये क्या बता रहा है कि अवश्य कोई ना कोई विध्वंस हुआ होगा, अवश्य कोई ना कोई आक्रमण हुआ होगा, अवश्य कोई ना कोई लूटपाट हुई होगी जिसके कारण इतने अधिक संख्या में लोग मारे गए जिनके नर कंकाल हमें मिले हैं। विध्वंस कौन सा है, अवश्य वैदिक आक्रमणकारियों ने हड़प्पा पे प्रहार किया हो। फिर इन नर कंकालों में हमें घाव के साक्ष्य भी दिखे हैं, गूंद मार, घाव के साक्ष्य भी दिखे हैं। इसका मतलब यह है कि घाव के साक्ष्य मिलने का मतलब यह है कि अवश्य दीज पीपल मस्ट हैव बीन कॉट अनअवेयर, यानी अचानक उन पे हमला हुआ होगा तभी उनके शरीर पे इतने घाव नजर आ रहे हैं। फिर हड़प्पा कि जो परत है उस पर हमें और भी कई सारी सामग्री मिली, युद्ध की सामग्री भी मिलना शुरू हो गई थी हड़प्पा की परत पे, जैसे तलवार मिली है हमें, एल्पाइन स्कल भी मिला है, एल्पाइन स्कल किसी दूसरे नस्ल की जो खोपड़ी होती है वो भी यहाँ पे मिली है, और जो घोड़ा है घोड़े का हमें जबड़े की हड्डियाँ भी मिली है। तो इसका मतलब क्या है
जो आर्यंस है ये भारत में आने के पश्चात उन्होंने हड़प्पा वासियों को युद्ध करके हराया था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस मत को नहीं मानते हैं। ये लोग देखो सारे के सारे विदेशी इतिहासकार है, गॉर्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पेरेज, जिन्होंने कहा आर्यन विदेश से आया, उन्होंने हड़प्पा वासियों को अंत कर दिया। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है वो इन साक्ष्यों को नहीं मानते हैं। वह यह कहते हैं कि आर्यों के द्वारा कोई युद्ध लड़ाई नहीं गया हड़प्पा वासियों के अगेंस्ट में। अब ये कौन कौन से उदाहरण लेके आते हैं, कौन कौन से साक्ष्य लेके आते हैं? देखो सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य लेके आते हैं। साहित्यिक साक्ष्य क्या कहते हैं? जो किलों का विध्वंस किया वैदिक लोगों ने, जिन किलों का विध्वंस किया वैदिक लोगों ने, वो अवश्य किलों में रहने वाले लोगों के माइग्रेट करने के पश्चात उन्होंने विध्वंस किया होगा। तो उन्होंने खाली किलों का विध्वंस किया होगा, इतिहासकारों का ये कहना है। जो लिटरेरी एविडेंस की बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य के अंदर, उसमें खाली किलों को तोड़ना बताया गया है वैदिक आर्यन के द्वारा, ना कि लोगों के खिलाफ युद्ध। हो सकता है हड़प्पा वाले लोग खत्म हो चुके होंगे या वहां से माइग्रेट कर गए होंगे, कहीं और चले गए होंगे, तो खाली किलों को ध्वस्त किया गया आर्यन के द्वारा। इसलिए इंद्र को पुरुरेंद्र कहा गया, किले को ध्वस्त करने वाला। फिर ये इतिहासकार दूसरा साक्ष्य लेके आते हैं कि जो 37 नरकंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो में, वह एक लेयर पे नहीं मिले। जैसे खुदाई के समय कई सारी लेयर आती है, एक लेयर यहाँ आएगी, फिर एक लेयर ऊपर आएगी, फिर एक लेयर ऊपर आएगी। तो जो सबसे पहले वाली खुदाई होगी उसमें पहली लेयर मिलेगी, फिर बाद में ज्यादा खुदाई करेंगे दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी। तो ये इतिहासकार ये कहते हैं कि 37 नरकंकाल हमें एक ही लेयर पे नहीं मिले हैं, स्ट्रेटोग्राफिक लेयर कहते हैं इनको। यह अलग अलग लेयर पे मिले हैं, इसका मतलब यह है कि यह 37 लोग एक साथ नहीं मरे, तो किसी युद्ध में नहीं मरे, अलग अलग समय पीरियड में मरे। इतिहासकार साक्ष्य को लेकर आते हैं। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि हड़प्पा का विनाश, ये टाइम पीरियड के अंदर ये साक्ष्य निकालते हैं। टाइम पीरियड के अध्ययन से, समय काल के अध्ययन से, 1750 में हड़प्पा का पतन हुआ, लेकिन आर्य भारत में 1500 BC में, आर्य लगभग 250 साल के बाद आए हैं भारत में। तो हड़प्पा वाले तो पहले ही खत्म हो चुके थे, आर्य आए 1500 BC यानी 250 साल के उपरांत। तो 250 साल का गैप कहाँ से आ गया? अगर युद्ध हुआ होता तो हड़प्पा वासियों के पतन के साथ ही आर्यन का आगमन होता। तो बहुत बड़ा पॉइंट है जो ये प्रूव करता है कि आर्य और हड़प्पा वासियों के बीच में कोई संघर्ष वास्तव में नहीं हुआ। और फिर ये इतिहासकार ये कहते हैं कि जो वैदिक लोग थे उन्होंने जिस क्षेत्र पे अपना अधिकार किया वह क्षेत्र पहले हड़प्पा का रहा करता था। इसलिए यह चीज लाजमी है कि जो हड़प्पा के आइटम्स है कुछ कुछ वैदिक काल का जो स्टेटियोग्राफिक लेवल है उसमें भी हमें मिल जाए, क्योंकि एरिया सेम है। यहाँ पे पहले हड़प्पा वाले रहे थे, वो खत्म हो गए, उसके पश्चात इस एरिए में वैदिक लोग आए, वो यहाँ पे रहने लग गए, उसी एरिया में रह रहे हैं, उसी लेयर पे रह रहे हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा की कुछ वस्तुएं भी हमें वैदिक पीरियड में मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में संघर्ष हुआ या वैदिक लोगों ने हड़प्पा वासियों का आत्मा कर दिया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ये अपन ने पहले पॉइंट के बारे में बात कर लिया, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें फ्लड। ये बाढ़ आने के कारण हड़प्पा वासियों का पतन हो गया। अब जस्ट इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कौन से इतिहासकार कहते हैं? जे मार्शल, जॉन मार्शल इतिहासकार है, वो कहते हैं कि बाढ़ के कारण खात्मा हुआ हड़प्पा का। फिर SR राव, ऐसा राव भी कहते हैं कि बाढ़ के कारण खात्मा हुआ। तो ये कौन सा उदाहरण लेके आते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो में हमें प्रमाण मिलेगी कम से कम 7 बार बाढ़ आई है। 7 times दिस सिटी वाज फ्लडेड, इस शहर में कम से कम 7 बार बहुत बड़ी बाढ़ आई है। तो यह एक प्रमाण देते हैं कि अंततः पूरे जो सभ्यता है इसका पतन बाढ़ के कारण हुआ हो। फिर एक दूसरा इतिहासकार है M. डिमित्रियेव, MDIMITRIYEV, एम डिमिट्रियेव, ये जो इतिहासकार है ये कहते हैं कि फिजियो केमिकल एक्सप्लोजन, एक प्रकार से धरती में धमाका हुआ हो जिसके कारण आग लग गई होगी सब जगह पे, और इसी कारण हड़प्पा का पतन हुआ। ये उदाहरण लेके आते हैं, साक्ष्य लेके आते हैं कि राखीगढ़ी जो हरियाणा में, वहां पे हमें आग लगने के प्रमाण मिले हैं लेटर फेज में, जब हड़प्पा का पतन हो रहा था राखीगढ़ी में बहुत विशाल का आग लगने के प्रमाण मिले। फिर इसके बाद अगले इतिहासकार है HT लैम्ब्रिक, HT LAMBRIC, HT लैम्ब्रिक। तो HT लैम्ब्रिक क्या कहते हैं कि जो नदी का मार्ग था, समय के साथ नदी ने अपने मार्ग को बदल दिया, रिवर कोर्स शिफ्टिंग, नदी ने अपने मार्ग को बदल दिया, इस कारण वहां पे सूखा पड़ने लग गया और इसी कारण हड़प्पा वासियों का पतन हो गया। जैसे
ये उदाहरण लेके आते हैं, कालीबंगा, कालीबंगा जो राजस्थान में, कालीबंगा का पतन क्यों हुआ? क्योंकि घग्गर नदी सूख गई, घग्गर नदी सूख गई पूर्ण रूप से, उसने अपना मार्ग बदल दिया, सूख गई, इस कारण कालीबंगा का पतन हो गया। फिर डीपी अग्रवाल और आर के सूद, ये दो इतिहासकार हैं, जो कहते हैं शुष्कता बढ़ने के कारण इकोलॉजिकल रीजन लेके आ रहे हैं। इकोलॉजिकल यानी जो अपनी इकोलॉजी, अपना एनवायरमेंट है, अपना पर्यावरण है, उससे संबंधित कारकों को ढूंढ के ला रहे हैं हड़प्पा के पतन के लिए। तो एरिडिटी का मतलब ये है कि शुष्कता बहुत अधिक बढ़ गई, यानी बारिश होना बंद हो गया, लंबे समय तक बारिश नहीं हुई हड़प्पा में, इस कारण शुष्कता के कारण भी धीरे धीरे हड़प्पा वासियों का पतन हो गया। फिर रॉबर्ट राइट्स, अंग्रेजी इतिहासकार है रॉबर्ट राइट्स, ये क्या कहते हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक शब्द है ज्योग्राफी का, जिसका मतलब है भूकंप, भूकंप के कारण हड़प्पा वासियों का पतन हुआ। ये उदाहरण लेके आते हैं, जैसे कालीबंगा में बड़े भूकंप आने के प्रमाण मिले इतिहासकारों को, लेकिन वास्तव में क्या कारण रहा होगा? वह यह है कि जो हड़प्पा है उसका जो क्षेत्र है बहुत अधिक विस्तृत है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ पे 1400 से अधिक साइट्स रही है, बस्तियां रही है। तो केवल एक सिंगल अ सिंगल फैक्टर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, केवल एक कारण को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हड़प्पा के पतन के लिए, कई सारे कारण होंगे, उसमें बाढ़ भी रह सकती है, उसमें भूकंप भी रह सकता है, लेकिन इसको इतिहासकार खारिज कर देते हैं। जो आर्य ने भारत में आके आक्रमण किया और हड़प्पा वासियों को विनाश किया, इसको भारतीय इतिहासकार पूर्ण रूप से खारिज कर देते हैं। फिर जो दूसरा ओपिनियन क्या है, कंजर्वेटिव आउटलुक, यानी जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण है इतिहासकारों का, उन्होंने क्या कहा है कि जो टेक्निक है, जो हड़प्पा वासियों ने टेक्निक का इजाद किया, वह तकनीक स्थिर हो चुकी थी, उस तकनीक में कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ, लंबे समय तक जो टेक्निक थी वो वैसी की वैसी रह गई, इस कारण हड़प्पा का पतन है, क्योंकि तकनीकी विकास को आगे नहीं बढ़ा पाया। जैसे जो कांसे है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो कांसे के औजार हड़प्पा में बनाए गए उसका इस्तेमाल कम करते थे, वास्तव में पत्थर का ही इस्तेमाल औजार में अधिक कर देते। फिर इसके बाद जो स्क्रिप्ट है, आप देखो इतने लंबे समय तक हड़प्पा की सभ्यता अस्तित्व में रही है, जो स्क्रिप्ट है, जो उनकी लिपि है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर 1500 साल तक हड़प्पा वासी एग्जिस्टेंस में रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, इतने लंबे समय में किसी भी लिपि में कोई ना कोई बदलाव अवश्य होगा। चाहे आज के समय भी देख ले, 500 साल में तो हिंदी बहुत कुछ बदल जाएगी, आने वाले 600 साल में हिंदी भाषा बहुत जबरदस्त बदल जाएगी, अंग्रेजी भाषा भी बदलेगी, लेकिन इतने सारा समय निकलने के पश्चात भी उनकी जो लिपि है उसमें कोई बदलाव नहीं है, यह भी एक पतन का कारण है। जो पॉटरी है, यानी जो मृत भांड है, जो मटके बनाए उन्होंने, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए मिट्टी के, उसमें भी कोई बदलाव या सुधार नहीं हुआ समय के साथ। तो देखो उसमें सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन, 500 सालों के अंदर कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं हड़प्पा के अंदर। और हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के संपर्क में आने के पश्चात भी जो कांसे है, कांसे के औजार बहुत कम उपयोग में लाए गए हड़प्पा में, क्योंकि मेसोपोटामिया में बहुत अधिक संख्या में कांसे के औजार को उपयोग में लाया गया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड, यानी जो बाह्य व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था हड़प्पा, उसमें गिरावट हो गई, और उसी गिरावट के साथ हड़प्पा वासियों का पतन हो गया। यानी ये इतिहास का एक्सटर्नल ट्रेड एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं, विदेशी व्यापार को बहुत बड़ा कारण मानते हैं। जैसे 1900 BC से मेसोपोटामिया की किताबों में मेलुआ के रेफरेंसेज आने बंद हो गए। मेलुआ कौन थे? मेसोपोटामिया की किताबों में हड़प्पा वासियों को मेलुआ कहा जाता है, मेलुआ के रेफरेंस आने, इसके बारे में बात करना, जिक्र करना मेसोपोटामिया किताबों ने बंद कर दिया 1900 BC के आसपास। यानी इनके बीच में व्यापार उस समय तक 1900 BC तक पूर्ण रूप से खत्म हो गया था। फिर दूसरा कारण क्या है कि क्यों विदेशी व्यापार खत्म हो गया? सेंट्रल एशिया में कुछ युद्ध प्रिय संप्रदाय आ गए, ग्रुप आ गए, वॉरलाइक पीपल, जो लूटने का कार्य करते थे, जो युद्ध करने का कार्य करते थे, तो इसके कारण जो स्थलीय व्यापार हुआ करता था, जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था, उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ गई, इस कारण में विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ। फिर इसमें दूसरा रीजन क्या देखिए कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार खत्म होने के साथ जो संपत्ति हड़प्पा वासियों ने अर्जित की थी उसमें भी कमी आने लग गई, क्योंकि जो हड़प्पा वासियों की मुख्य संपत्ति थी वो कहाँ से आए थे? मेसोपोटामिया से व्यापार करके आए थे, वहां से काफी सारा सोना चांदी वो व्यापार के माध्यम से हड़प्पा में लेके आए थे। तो जो संपत्ति है उसको वह खत्म होने लगे हड़प्पा में विदेशी व्यापार के खात्मे के साथ। इस प्रकार हम देखते हैं जब संपत्ति खत्म होने लगे तो हड़प्पा समाज में कोई मांग ही नहीं रही, कोई डिमांड ही नहीं रही,
लोग गरीब हो गए, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया और जो समृद्धशाली सभ्यता जो पहले रही थी वो धीरे धीरे पतन की तरफ उन्मुख हो चली गई। और फिर ये इतिहासकार क्या कहते हैं, जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था जो अधिकांशतः डिपेंडेंट था मेसोपोटामिया के व्यापार के सर अपनी उन्नति के लिए, तो सबसे पहले असर कहाँ पे पड़ा, पतन का उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के साथ अच्छा खासा व्यापार हुआ करता था, व्यापार बंद हो गया तो सबसे पहले पतन देखने को मिला उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उसके पश्चात धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप के ना जो हड़प्पा के जितने भी क्षेत्र है वहां पे अर्बन सेंटर्स खत्म होने लग गए, जो शहर है वो शहरी बस्तियां वो खत्म होने लग गई। लेकिन जो दूसरे इतिहासकार हैं वो विदेशी व्यापार का जो पतन हुआ उसको जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं हड़प्पा के पतन के लिए। दूसरे इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये सब बातें ठीक है लेकिन वी डोंट नो अबाउट क्वांटम ऑफ ट्रेड, हमें पता ही नहीं है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में कितनी क्वांटिटी कितनी मात्रा में व्यापार होता था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि व्यापार इस व्यापार के पतन होने के साथ ही हड़प्पा का पतन हो गया, तो हम सर्टेनिटी निश्चितता के साथ नहीं कह सकते, हमें मात्रा नहीं पता। दूसरा इसमें साक्ष्य दे रखे हैं इतिहासकारों ने, जो मेसोपोटामिया का व्यापार था ठीक है जो हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ रहा है, लेकिन हड़प्पा वासियों का व्यापार के मेसोपोटामिया के साथ नहीं रहा, हड़प्पा वासियों का व्यापार का जो नेटवर्क था बहुत अधिक विस्तृत था, उनका व्यापारिक नेटवर्क है वो भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। जैसे मैंने बताया था उन्होंने सोने के लिए कर्नाटक की जो कोलार माइंस है वहां से भी उन्होंने सोना व्यापार के माध्यम से अपने यहाँ पे मंगवाया, और जो कॉपर है कॉपर भी वो अन्य क्षेत्र से भारत में उन्होंने अपने यहाँ पे मंगवाया था, तो व्यापारिक संबंध इनके सब जगह से कायम थे, केवल मेसोपोटामिया से ही नहीं थे। ये कहना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के व्यापारिक पतन के साथ हड़प्पा का भी पतन हो गया। और फिर अगला पॉइंट क्या है कि हड़प्पा के अंदर कच्ची सामग्री बहुतायत में थी, प्लेंटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसलिए मेसोपोटामिया की अत्यधिक आवश्यकता कभी थी ही नहीं, बहुत सीमित आवश्यकता थी हड़प्पा वासियों के लिए, मेसोपोटामिया की आवश्यकता बहुत कम थी हड़प्पा वासियों के लिए, क्योंकि कच्ची सामग्री बहुत अधिक थी, जो प्रोडक्शन था जो उत्पादन था वो यहीं पे ही कर सकते थे सारा का सारा। फिर देखो ये तो अपन ने बात की है, ये सारे फैक्टर अपन ने बात की, लेकिन जो सबसे अधिक विश्वसनीय फैक्टर है कारण है जो इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार मानते हैं किस प्रकार हड़प्पा का पतन हुआ और किस प्रकार धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता में मर्ज हो गई, उसमें उसका विलय हो गया, तो इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय इतिहासकार मानते हैं वह है एलिमेंट्स ऑफ सर्वाइवल एंड चेंज। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें तो एक समान रही, हड़प्पा के जो कुछ तत्व हैं उनमें निरंतरता है, सर्वाइव कर गए ठीक है जीवित रहे, और कुछ तत्व खत्म हो गए, कुछ बदलाव हो तत्व खत्म हो गए, तो दोनों का मिश्रण अपन देखते हैं, कुछ चीजें जीवित रही कुछ चीजें खत्म हो गई हड़प्पा की। ये कहना गलत होगा कि हड़प्पा पूर्ण रूप में एक साथ खत्म है, तो ये अब बात करते हैं कि कौन सी चीज खत्म हुई है, किसी बदलाव वाले कारकों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इतिहास का। इसमें देखो क्या कहते हैं, बदलाव क्या हुआ समय के साथ, जो उत्तर हड़प्पा काल है अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं LHP लेटर हड़प्पा पीरियड। देखो हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है उसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं, एक प्री हड़प्पा पीरियड है, फिर PHP, फिर इसके बाद है मैच्योर हड़प्पा पीरियड MHP, फिर इसके बाद लेटर हड़प्पा पीरियड उत्तर हड़प्पा का काल। उत्तर हड़प्पा का वह काल है जब हड़प्पा का पतन आरंभ हो चुका था, पतन होने में भी कम से कम 500-600 साल लगे, लेटर हड़प्पा का पीरियड है वह 500-600 साल है जब हड़प्पा वासियों का पतन हो रहा था, तो वो लेटर हड़प्पा पीरियड की स्टडी कर रहे हैं, लेटर हड़प्पा पीरियड में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चीज निरंतर रही, तो बदलाव क्या हुआ, सबसे पहले जो हड़प्पा की बस्तियां थी उनका जो शहरी तत्व था वो समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो गया, जो उनका अर्बन फेज था शहरी तत्व खत्म हो गया, यानी शहर खत्म होने लगे, उनकी मोहर खत्म होने लगे, उनके जो वेट एंड मेजर थे माप और तौल के जो साधन थे वह खत्म होने लगे, उनमें गिरावट देखने को मिली, और जो लिपि है लिपि खत्म होने लगी और मोहर खत्म होने लग गए इस समय के अंदर। तो माप और तौल उसको रेगुलेट कौन करते रहे, प्रशासनिक अधिकारी रेगुलेट करते रहे, जब प्रशासन ही नहीं रहा जब राजा ही नहीं रहा तो आने वाले समय में जो माप और तौल की यूनिफॉर्मिटी नहीं रही, उनकी क्वालिटी गिर गई, उनकी गुणवत्ता पूर्ण रूप से गिर गए। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे हमें बड़े शहर मिले ही नहीं है उत्तर हड़प्पा काल में, देयर वाज नो प्लैंड सिटी, आखिरी के 400-500 साल में हमें कोई बड़ा शहर देखने को नहीं मिला, कोई सुनियोजित शहर देखने को नहीं मिला, जो इस समय के अंदर जो कृषि भूमि है उसका विस्तार हुआ, जो एग्रीकल्चर है उसका विस्तार हुआ, तो जो
जो ग्रामीण परिवेश है उसमें हड़प्पा का विलय हो गया। कहने का मतलब यह, ग्रामीण परिवेश क्या है, जहां पे केवल कृषि का कार्य होता है, जहां पे शहर नहीं है, जहां पे व्यापार नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि इस समय में लो क्वालिटी मटेरियल वाज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, निम्न गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग किया कंस्ट्रक्शन में, मकानों के कंस्ट्रक्शन में। इस समय के अंदर, इस समय तक आते आते हम देखते हैं शहरी फीचर है कि अच्छी क्वालिटी के सामग्री का उपयोग करोगे मकान बनाने के लिए। जैसे पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल बंद हो गया, नो ड्राइड ब्रिक्स फॉर यूज इन लेटर हड़प्पा पीरियड। तो ये क्या चिन्हित कर रही है कि जो शहरी तत्व है वो खत्म होने लग गया। देखिए इतिहासकार क्या कहते हैं, जो ग्रामीण तत्व वो विद्यमान रहा, वो कंटिन्यू रहा, वो निरंतर रहा और वो वैदिक युग के साथ जाके मर्ज हो गया। हड़प्पा का जो ग्रामीण तत्व है यानी कि निरंतरता है, हड़प्पा का पूर्ण रूप से पता नहीं हुआ, जो उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि थी हड़प्पा की, वो आगे चलकर वैदिक सभ्यता में उसका विलय हो गया। फिर अपन आगे बात करते हैं कौन से शहरी तत्व खत्म हुए, क्योंकि जब मेसोपोटामिया के साथ व्यापार खत्म हो गया तो व्यापारिक नेटवर्क पे बड़ा बुरा असर पड़ा। और टिन, टिन है जिसको हड़प्पा वासी आयात किया करते थे दूसरे क्षेत्रों से, जो टिन का उपयोग होना बंद हो गया, तभी हम देखते हैं कि कांसे का उपयोग भी इस समय में पूर्ण रूप से बंद हो गया, मात्र कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल जारी रहा। देखो ब्रॉन्ज किससे बनता है, जब कॉपर और टिन को आपस में मिला लेते हैं तो कांसा बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है। जब टिन ही नहीं रहा हड़प्पा के अंदर, व्यापार नहीं रहा, टिन को बाहर से नहीं मंगा पाए, तो कांसा तो बना ही नहीं पाए, तो कांसे का प्रयोग बिल्कुल खत्म हो गया और तांबे का उपयोग जारी रहा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अपन ने बात की क्या चीज बदली है, शहरी तत्व खत्म हो गया, तो अपन बात करते हैं क्या चीज सर्वाइव की है, क्या चीज निरंतर रही, क्या चीज कंटिन्यू रही है। अभी को लगभग 600 साल लगे हैं हड़प्पा का पतन होने में, लेटर वैदिक पीरियड है, जो लेटर हड़प्पा का पीरियड है वो 600 साल तक का है, 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। इन 600 साल के दौरान धीरे धीरे हड़प्पा का पतन हो गया। लेकिन अब इसमें इतिहासकार क्या कहते हैं, कुछ ऐसी बस्तियां जो पूर्ण रूप से खत्म हो गई, लेकिन कुछ बस्तियां जीवित भी रही, कुछ बस्तियां निरंतर भी रही, ये नहीं सारी की सारी बस्तियां अचानक खत्म हो गई। तो हम निरंतरता के एलिमेंट है, वी आर लुकिंग फॉर द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी हियर। अभी इतिहासकार 5 ज्योग्राफिकल रीजन की बात करते हैं जो अच्छे तरीके से सर्वाइव किए थे उत्तर हड़प्पा काल में, 5 क्षेत्रीय भूभाग, जिसमें सबसे पहला है सिंध। सिंध के बारे में क्या कहते हैं, आप देखो जो भूभाग है जो निरंतर रहे, फिर अपन क्या स्टडी करेंगे इन भूभाग के ना, जो मैच्योर हड़प्पा का पीरियड है उनके बीच में आपस में घनिष्ठ संबंध था, यानी इनके बीच में जो लिंक था मैच्योर हड़प्पा पीरियड और लेटर हड़प्पा पीरियड के बीच में जो लिंक था वो खत्म नहीं हुआ। इतिहासकार ये कहने की कोशिश करेंगे, जैसे सिंध, सिंध के अंदर एक विशेष प्रकार की पॉटरी मिली है, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झुकार पॉटरी कहाँ की है, सिंध की है, पाकिस्तान। तो जो झुकार पॉटरी है उसमें समानता बहुत अधिक है विकसित हड़प्पा का जो युग था वहाँ की पॉटरी के साथ, वहाँ के मृदभांड के साथ, यानी दोनों के मृदभांड में काफी समानता देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि मैच्योर हड़प्पा पीरियड के तत्व इस समय में खत्म नहीं हुए, वो भी कई कुछ हद तक कंटिन्यू रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा का अचानक पंत हो गया और मैच्योर हड़प्पा पीरियड पूर्ण रूप से खत्म हो गया, इनके कई सारे तत्व हमें उत्तर हड़प्पा काल में भी देखने को मिले। जैसे झुकार पॉटरी है वहां भी, इसका विकास कहां से हुआ, इवॉल्व फ्रॉम मैच्योर हड़प्पन पॉटरी, ठीक है। और सिंध में कौन सा क्षेत्र आता है, झुकार नाम का क्षेत्र आता है, जिसके नाम में पूरे मृदभांड का नाम रख रखा है, पॉटरी का नाम रख रखा है झुकार पॉटरी। चनुहारो आता है, आमरी आता है, ये सारे के सारे शहर हैं वो उत्तर हड़प्पा काल में भी जीवित रहे। तो गग्गर हाकड़ा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, गग्गर हाकड़ा क्षेत्र ये हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, और यहाँ पे भवालपुर नाम की जगह है, भवालपुर में हमें कब्रगा एच मिला है, सिमेट्री एच, कब्रगा क्या होता है, जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कब्रगा एच है उसकी समानता हड़प्पा के कब्रिस्तान से काफी अधिक है। तो कहने का मतलब है इनके बीच में लिंक अभी भी जीवित था, हड़प्पा पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था। फिर अपन आगे बढ़ते हैं पंजाब और हरियाणा में, हरियाणा में एक जगह भगवानपुरा, बहुत बड़ी जगह है। भगवानपुरा में हमें उत्तर हड़प्पा काल में भी प्रमाण मिले हैं कि पक्की भी, अपन ने क्या कहा था कि पक्की भी ईंटों का इस्तेमाल होना बंद हो गया था, ठीक है 98% होना बंद हो गया था, लेकिन 1-2% तो कहीं ना कहीं पर जीवित रहा। जैसे यहाँ पे पक्की भी ईंटों के इस्तेमाल का प्रमाण मिला है, यहाँ पे सीमित प्रयोग किया गया मोहरों का, हड़प्पा की मोहर भी मिल गई यहाँ पे खुदाई के दौरान, लेकिन उनका बहुत सीमित उपयोग हुआ। यहाँ पे हड़प्पा की लिपि भी मिली है और यहाँ पे हड़प्पा के जो शिल्प के नमूने थे वो भी मिले हैं इस समय। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ कंटिन्यू भी रहा है, ये नहीं कह सकते हड़प्पा का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। भगवानपुरा का उदाहरण देते हुए तो गुजरात सबसे बेहतरीन उदाहरण है उत्तर हड़प्पा काल का, यहाँ की जो पॉटरी है वो उसको LRW कहते हैं, LRW का मतलब
मतलब है लस्टरस, रेड वेयर, इसका क्या मतलब है चमकदार लाल ब्राउन। इस तरह की पॉटरी गुजरात में पाई गई है उत्तर हड़प्पा काल में, और इस क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ है। यह जो क्षेत्र है ये मैच्योर हड़प्पा पीरियड में इतना अधिक समृद्धशाली नहीं था, लेकिन उत्तर हड़प्पा काल में अपने अंत समय में अधिक समृद्धशाली हो गया। जैसे मैच्योर हड़प्पा पीरियड में इसमें केवल 13 बस्तियां थी, लेकिन लेटर हड़प्पा पीरियड में गुजरात में 200 से अधिक बस्तियां मिली। तो कहने का मतलब ये ना कि इसका अधिक विकास हुआ है। फिर गुजरात के अंदर एक जगह बेट द्वारका, बेट द्वारका के उत्तर हड़प्पा काल में भी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि हमें मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ वहां की हमें मोहर मिली है यहाँ बेट द्वारका में इस समय में उत्तर हड़प्पा काल में भी। कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ जगह पे व्यापारिक संबंध है वो भी कायम थे। एक थ्री हेडेड एनिमल सील यानी तीन पशु के मुख वाली हमें मोहर मिली है पर्शियन गल्फ की बेट द्वारका में, यानी इनके बीच में व्यापारिक संबंध अभी तक निरंतर थे। फिर इसके बाद जो पांचवा रीजन है वो है गंगा यमुना दुआब। गंगा यमुना दुआब में उसके खास बात क्या है, इस समय के अंदर कृषि का कार्य वहाँ अत्यधिक होने लग गया, कृषि से संबंधित जो बस्तियाँ उनका अत्यधिक विकास होने लग गया, उनकी संख्या भी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही समृद्ध कृषि का आधार तैयार हुआ गंगा यमुना दुआब लेटर हड़प्पा पीरियड में उत्तर हड़प्पा का। फिर इस समय में तीन महत्वपूर्ण शहर भी मिले, हमने कहा शहरों का पतन हो गया उत्तर हड़प्पा काल में, लेकिन फिर भी अपवाद समय को शहर भी मिले यहाँ पे, जैसे गद्दर आगरा क्षेत्र में कुडवाला KUDWAL कुडवाला नाम का क्षेत्र मिला है जो एक शहर है। फिर गुजरात में बेट द्वारका हमें मिला जो एक बड़ा शहर है, बड़ी बस्ती है, और महाराष्ट्र में हमें दैमाबाद मिला जो एक बड़ी बस्ती है। कहने का मतलब ये है कि शहर पूर्ण रूप से खत्म हुए वे भी जीवित रहे, कुछ में इसके भी प्रमाण मिले। फिर अब इन सबका महत्व क्या है, हड़प्पा के युग का महत्व क्या, अपन थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। जो हड़प्पा की टेक्निक थी वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गई, यानी जो तांबे की जानकारी हड़प्पा वासियों ने खोजी थी या तांबे की जो वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे वह जानकारी हड़प्पा वासियों के कारण, इनके प्रभाव के कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो कॉपर की नॉलेज है, जो तांबे का ज्ञान है, वो सब जगह पर फैल गया। फिर इस समय में हड़प्पा वासियों में जो कृषि का विकास हुआ इसका यह प्रभाव पड़ा कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में टू क्रॉपिंग सिस्टम पूर्ण रूप से विकसित हो गया। अब अत्यधिक विकसित हो गया पहले के बजाय, टू क्रॉपिंग सिस्टम यानी एक साथ दो फसलों को उगाना, टू क्रॉपिंग सिस्टम। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी विद्यमान रहा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, अलग अलग तरह की फसलों को उगाना, डबल क्रॉपिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है। फिर हड़प्पा वासियों ने अवश्य वैदिक युग को भी प्रभावित किया होगा, कैसे प्रभावित किया होगा, एक समृद्धशाली कृषि का आधार प्रोवाइड करके वैदिक युग को, तो उसको भी उन्होंने सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया हड़प्पा वासियों ने वैदिक युग को, क्योंकि कृषि हड़प्पा में भी अत्यधिक विकसित थी और वैदिक युग में भी यह परंपरा जारी रही, विकसित कृषि की परंपरा जारी रही। फिर हम देखते हैं कि जो लेटर हड़प्पा पीरियड है उन्होंने हड़प्पा का जो समय हड़प्पा पीरियड के धर्म को भी अपनाया उन्होंने, जैसे आगे चल के हम देखते हैं शिव भगवान आगे चल के अस्तित्व में रहे, शिव भगवान मातृ देवी की जो उपासना है वह भी निरंतर रही है, पशु पूजा है वह भी निरंतर रही है आगे चल के। तो यह सब जो रिलीजन के एलिमेंट्स है तत्व हैं, शिव भगवान की उपासना हो गई, पशुपति महादेव की सीध हड़प्पा में मिली है, फिर जो मदर गॉडेस है, फिर जो एनिमल वर्शिप है, यह सब आगे चल के आने वाले समय में इनका विलय हो गया, यानी वैदिक युग में इनका विलय हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा का पूर्ण रूप से खात्मा नहीं हुआ, हड़प्पा वासियों के बहुत सारे तत्व वैदिक युग में जाकर उनका विलय हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर हड़प्पा काल है, जो लेटर हड़प्पा पीरियड है, इट हैज एक्टेड एज अ लिंक बिटवीन हड़प्पा एंड वैदिक पीरियड। तो जो उत्तर हड़प्पा काल है उसने एक प्रकार के लिंक की तरह काम किया हड़प्पा और वैदिक पीरियड के नाम, एक जरिया था जिसने हड़प्पा के कुछ तत्व वैदिक युग तक भी पहुँचा दिया। इसी के साथ ही अपना हड़प्पा वाला टॉपिक खत्म हो गया, लिखा हुआ तो उसमें बहुत कुछ है लेकिन इतना अपन इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते। कल से अपन कोई दूसरा टॉपिक करेंगे, मेरे से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।